अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DLED थर्ड सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका BTC तृतीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके समावेशी शिक्षा को लेकर। तो आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों सिर्फ इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये आपकी सीरीज की पार्ट वन है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दोस्तों मिलेगी। और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जा सकता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, सोचिए जरा और बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका विशेष शिक्षा, दूसरा है समेकित शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस के सही उत्तर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। तो पहला दोस्तों आता है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मंद बुद्धि बालक, तीसरा आता है दोस्तों पिछड़ा बालक और चौथा आता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए जो मनोविज्ञान होता है ना उसके अंतर्गत जो बालक आते हैं सभी बालकों को विशिष्ट समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। तो इसमें दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते कि जो विशिष्ट बालक होंगे वो सिर्फ प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि आप लड़ाई करें। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े बालक वे हैं कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं। ठीक है दोस्तों, इससे मतलब नहीं कि वो सीखने की गति धीमी होती है उनके या उनकी बुद्धि लब्धि कम है या कुछ और। ठीक है दोस्तों, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और असमायोजित हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, समावेशी बालक समूह में आते हैं कौन आता है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका विषमांगी। समावेशी बालक के समूह में आपके विषमांगी आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए दोस्तों विकृत बालकों को हमें, आत्मनिर्भर। अब दोस्तों इस पर कभी मत सोचिएगा कि परिवार पर निर्भर बना दीजिए या सरकार पर। ठीक है, अब दोस्तों सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं कहां पर दोस्तों, अमेरिका व ब्रिटेन में। आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए दोस्तों, अन्य समान बालकों के साथ। ठीक है ना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा सभी बच्चों के साथ होनी चाहिए, ऐसा ना हो दोस्तों कि उनको अलग से विद्यालय डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नौवा क्वेश्चन हमारा क्या है, विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, इसका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे दस नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से। ठीक है दोस्तों, जो मानसिक रूप से बच्चे पिछड़ जाते हैं उनकी बुद्धि लब्धि औसत बालक से कम होती है। अब प्रतिभाशाली बालक तो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही अधिक होती है। अब दोस्तों बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी दोस्तों, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। ठीक है, अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पिछड़े बालकों के प्रकार है कौन कौन से दोस्तों, सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन या विकल्प नंबर सा आ एवं ब दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन दोनों। अब बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, अपवंचित बालकों के प्रकार है सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बात करेंगे दोस्तों आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, अब वंचन बाल्य जीवन की उद्दीप्त दशाओं की न्यूनता है, कथन किसका है दोस्तों, यह कथन दोस्तों आपका गार्डन का, इसको आपको याद रखना है, विकल्प सही होगा। हम 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किन पर दोस्तों, 14 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर, अगर आपकी उम्र 14 से 18 वर्ष की है तो ये अधिनियम आप पर लागू नहीं होता। अब दोस्तों बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है,
बताइए दोस्तों, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका मूक बधिर, ठीक है ना, मूक बधिर। अब 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका दृष्टि बाधित, जो देख नहीं पाते ना। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, पढ़ने की अक्षमता, ये आपका एलेक्सिया होता है दोस्तों। अब बात करेंगे आज का 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है दोस्तों, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, इसको अच्छे से याद रखना है। अब 20 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा लिख कर याद कर लेंगे, पता है क्या दिक्कत होती है, अगर ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी में आ गए या लघु उत्तरी में आ गए, तो अगर आप कुछ इसको दिमाग से अपने ट्रिक बना रखी है तो वहां काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर आपको दोस्तों इसका आंसर लिखना पड़ेगा। और किसी भी आंसर को दोस्तों सबसे आसानी से हम याद करने का तरीका यही होता है कि आप उसको लिख कर याद करें। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है, कौन सी समस्या दोस्तों, ये आपके पढ़ने से होती है समय, तो देख लीजिए दोस्तों, काफी बच्चों होंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, समझ लीजिए अभी से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा दोस्तों मंडल स्तर पर, विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ईसीईसी का पूरा नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम है दोस्तों विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, ईसीईसी। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या क्या है, निर्देशन देना दोस्तों, प्रशिक्षण और शोध कार्य और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, दृष्टि बाधितों के लिए लिपि है कौन सी दोस्तों आपका, ब्रेल, अभी हमने दोस्तों देखा था। 25 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है किससे होता है दोस्तों, श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी, उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न क्या है आज का, भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना या उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों हम 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बात करेंगे उस पर कि गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है कितनी होती है दोस्तों, 2/20, जिन बच्चों को गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है, 2/20। 28 नंबर क्वेश्चन, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, और दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों, हो सकता है दोस्तों वंशानुक्रम आ गया आपका ठीक है, या वातावरण से दिक्कत आई हो, ये आपके हकलाने के कारण होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे आज का 30वां क्वेश्चन क्या हमारा, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्वरी होती है कितना होता है दोस्तों, 20 से लेकर 70 फीट, आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि क्यूरी क्या होती है, 20 से 70 फीट। अब दोस्तों बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है, श्रवण मतलब सुनना दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका 35 से लेकर 51 डेसिबल तक, जो आपके कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 35 से 51 डेसिबल। अब दोस्तों बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न क्या हमारा, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है, ये दोस्तों हमारे होता है 70 से लेकर 89 या 89। 33 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, मान संबद्धता का अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों, औसत से कम मानसिक योग्यता, क्या अंतर होता है दोस्तों इसका, औसत से कम मानसिक योग्यता। अब दोस्तों बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, वाक दोष के प्रकार होते हैं, इसका अंतर होगा आपका 6, वाक दोष के कितने प्रकार है आपके 6। 35 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है क्या होता है दोस्तों, इसका आधार डेसिबल से दोस्तों इसको चेक कर पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या हमारा, पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाधिता का प्रतिशत होता है कितना होता है दोस्तों आपका, 100%, पूर्ण आ गया ना दोस्तों यहाँ पे लिखा पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की। अब दोस्तों देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या हमारा, बच्चों में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मंद बुद्धि, ठीक है ना, ये जन्मजात होती है, देखिए दृष्टि दोस्तों ऐसा नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, पहले इसको देखते हैं, प्रतिभाशाली होती है क्या होती है दोस्तों,
वातावरणीय अभिप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, या आनुवांशिक रचना से, या दोस्तों आप लगभग दोनों। देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशालिता होती है ना, वो वातावरणीय अभिप्रेरणा से भी होती है, मनोसामाजिक कारकों से भी होती है। इसलिए दोस्तों आपका विकल्प नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। मंद अधिगम कर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे कहलाते हैं क्या दोस्तों? कहलाते हैं वो आपके पिछड़े कहलाते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या हमारा। निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? इसका आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प, संबंध, ठीक है। 41 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, या उपरोक्त सभी से? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी से। 42 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका टर्मैन। बुद्धि लब्धि मतलब टर्मैन, याद रखना है। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका दुर्बल बुद्धि, ठीक है। 50 से लेकर अगर आपको 69 के बीच में बुद्धि लब्धि आती है तो आप दुर्बल बुद्धि लब्धि में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है क्यों? किससे होती है दोस्तों? औसत बालक से, जो मानसिक रूप से होते हैं वो औसत बालक। ये क्वेश्चन हमने आज पहले भी देखा है। 45 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें रुचि और अभिप्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, उनके में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको, जैसे कोई बच्चा है आपके घर में, आप खुद ही है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, तो जब तक दोस्तों उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। 46 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या हमारा। मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 3 प्रकार के, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 47 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सामान्य बच्चे आते हैं 90 से लेकर 100 के बीच में। 48 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते आइए। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है कितना? 85 से कम। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से भी अधिक। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अब दोस्तों बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। 85 से कम अगर आपकी बुद्धि लब्धि तो आप क्या कहलाएंगे? 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, उनको हम बोलते हैं पिछड़े बालकों की, उनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। अब दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 1905 में। 52 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा आपका वुंड ने, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। अब दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको दोस्तों? मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है कैसे दोस्तों? विशिष्ट शिक्षा देकर, मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा, और उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। 56 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ कब हुआ था दोस्तों? मानवीकरण की, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय मानवीकरण। 57 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार ये उपरोक्त सभी है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा दोस्तों आपका। 58 नंबर क्वेश्चन, अच्छी निर्देशन सेवा होती है क्या होती है दोस्तों? आपकी बाल केंद्रित। अगर दोस्तों बात करें कि अच्छी निर्देशन सेवा क्या है तो वो होती है आपकी बाल केंद्रित। उसके बाद दोस्तों 59 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा। माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं निर्देशन कार्य में दोस्तों, निर्देशन समिति बनाने में, निर्देशन प्रदाता बनाने में, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निर्देशन के साथ आवश्यक है क्या है दोस्तों? आवश्यक आपका परामर्श आवश्यक होता है निर्देशन के साथ। अब 61 नंबर दोस्तों प्रश्न देखेंगे।
परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग होते हैं। पहले परामर्श के लक्ष्य क्या है? सेवार्थी और परामर्शदाता उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 62 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं ये आपको बताने दोस्तों। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है आत्म स्वीकृति, तीसरा है सामाजिक सामंजस्य, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसका आंसर 10। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे कितना है 10। 64 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? निरीक्षण के प्रकार होते हैं कितने प्रकार के दोस्तों आपके? ये 3 प्रकार के होते हैं। 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा? गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं एनजीओ। ठीक है ना, आपने एनजीओ के बारे में तो काफी सुना होगा। ये दोस्तों आपके गैर सरकारी संगठन है जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 66 क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रम का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है या कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका स्ट्रेंगर का है, इसको भी आपको दोस्तों ध्यान में रखते रहना है। अब 67 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है कैसा दोस्तों? आपका औपचारिक प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यावसायिक निर्देशन का महत्व होता है कहां पर दोस्तों? आपका शिक्षा के क्षेत्र में। अब बात करेंगे दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन हमारा, निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर क्या होता है दोस्तों? गहन संबंध है। निर्देशन और परामर्श का गहन संबंध होता है। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा? परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है उपबोध्य दोस्तों, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है? परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है, इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जा सकता, यह कथन है आपका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका? जिस वर्ड का। किसका दोस्तों? आपका जिस वर्ड का। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सामान्य बच्चे होते हैं कितना दोस्तों? 90 से लेके आपके 110 IQ वाले। ठीक है, इनकी बुद्धि लब्धि इतनी होती है। 73 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? इसका आंसर होगा दोस्तों हेविट ने। क्या बताया दोस्तों? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा आज का 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है किसमें दोस्तों? कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? इनको हम दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों? कौन से लेंस की सहायता से? उत्तल लेंस की सहायता से, कि अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती? तो दोस्तों जो बच्चे आंशिक दृष्टि बाधित होते हैं हम उन्हें उत्तल लेंस की सहायता से वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? श्रवण दोष से ग्रसित बच्चा बच्चों में दोष हो सकता है, कौन सा दोष दोस्तों? कान के बाहर, कि कान के मध्य, कान के अंदर, यह उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों जो श्रवण दोष से ग्रसित होता है उसमें दोस्तों कान के अंदर भी कोई दोष हो सकता है, बाहर और कान के बीच में भी। अब दोस्तों देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 77 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं होती है? ये होता है दोस्तों आपका हकलाना। ठीक है, ये आपकी विशेषता नहीं है अस्थि बाधित। और दोस्तों 3 इसकी विशेषताएं होती भी है, कौन कौन थी? मेरुदंड का वक्र होना, पांव फिरा, या विकृत नितंब। ठीक है दोस्तों, इसके 3 विशेषता भी आपको याद रखना है कि मान लेते हैं अति लघुत्तरी में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकें। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इसका आंसर सिंपल तो होगा आपका 140 से अधिक। ठीक है, या 140 हो गया उससे अधिक हो जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों 79 क्वेश्चन की, वो क्या है? ठीक है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका स्किनर का है। तो स्किनर दोस्तों नाम बहुत ही प्रचलित है। अब दोस्तों बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं।
परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है कार्ल रोजर्स का। ठीक दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कार्ल रोजर्स का। अभी 81 नंबर दोस्तों हम प्रश्न को देखने वाले हैं, क्या रहा? परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। कैसे दोस्तों? वार्तालाप के माध्यम से। जब परामर्श दोस्तों आपसे किया जाता है ऐसा तो है ना, आप गीत गा के दोस्तों करेंगे कुछ, या चित्रों के माध्यम से या कहानी के माध्यम से सीधे वार्तालाप करेंगे या बातचीत दोस्तों जिसको कहते हैं आप लोग। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों? परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका इलाहाबाद, या दोस्तों हम नाम चेंज हो क्या सकता है, प्रयागराज। ठीक है, 83 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा उसको देखते हैं। परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है कौन? करता दोस्तों जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब दोस्तों देखते हैं 84 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा। विद्यालय में दांत अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है कौन है दोस्तों? निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, विकल्प नंबर 10 का राइट आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों आज का 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या दोस्तों? कि क्या करने योग्य है और क्या न करने के योग्य है। ठीक है, ये निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा ही बताया जा सकता है कि भाई क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है। अब 86 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है कितना होता है दोस्तों? 90 से लेके 100 डेसिबल तक, जिन बच्चों को पूर्ण या गहन श्रवण बाधित बच्चे इतना। ठीक है, अब दोस्तों 87 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है कितने भागों में दोस्तों? जो विशिष्ट आवश्यकता बच्चे हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब 88 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका व्यक्तित्व का। और TET के दोस्तों जब आप पेपर देते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो दोस्तों आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, एक वो है आपकी, और दोस्तों एक टेट है जिसके द्वारा आप व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं तो आप लोग सोच लीजिएगा ये टेट, दोनों टेट में अंतर है। अब 89 नंबर दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे क्या रहा आपका। 89 नंबर, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है कौन सी समस्या दोस्तों? भाषा एवं वाणी की समस्या हो सकती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनके चारों विकल्प बिल्कुल सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्थित बाधिता के कारण है क्या दोस्तों? इसके आंसर जन्मजात की दुर्घटना या बीमारी या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्थित बाधिता के कारण आपके उपरोक्त सभी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। वाक दोष के प्रकार होते हैं, तो ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं आपको? ये आपके दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब 92 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 55 से लेकर दोस्तों 69 डेसिबल तक। ठीक है, सामान्य बच्चों का IQ होता है 90 से लेकर दोस्तों 100 तक, या कभी 90 से लेकर 110 आ जाता है। देखिए दोस्तों विकल्प आप देख रहे हैं कि जहां 90 से स्टार्टिंग हो वही ध्यान में रखना है, और 90 से कम तक जाए दोस्तों, जैसे दूसरा विकल्प 90 से 120 वो ज्यादा हो रहा है, अगर 90 से 100 तक है पहला, तो पहला आंसर यही होता है, पेपर में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है। विशिष्ट ऐसा व्यक्तित्व है, मतलब विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसका शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशिया की क्षमताएं अनोखी है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका हेबिट एंड फोरनेस का है। ठीक है, किसका दोस्तों? हेबिट हेबिट एंड फोरनेस का। अब दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका रूथ स्ट्रेंग का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध होता है, यह आपका रूथ स्ट्रेंग ने कहा है। 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है दोस्तों? प्रतिभाशाली की बात हो रही है ना दोस्तों, सामान्य बच्चों में तो यार 110 तक आता है, तो प्रतिभाशाली दोस्तों हमारी 140 या उससे अधिक होती है। 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है किससे दोस्तों? स्वास्थ्य सुरक्षा से ना, जो आपका स्वास्थ्य निर्देशन है तो वो स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा। पुस्तक आ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक है कौन है दोस्तों? हैविक हर्ट्स। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपका हैविक हर्ट्स। अब दोस्तों बात करेंगे हमारा 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा। 99 नंबर,
मनोवैज्ञानिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया दोस्तों? बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। देखिए दोस्तों, बच्चे जो कार्य करें उनकी गति क्या है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बच्चा सामान्य है, कौन बच्चा प्रतिभाशाली है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का 100 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 नंबर। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जा सकती है, पहला दोस्तों निरीक्षण विधि के प्रयोग करके, दूसरा साक्षात्कार द्वारा, तीसरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, चौथा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम चाहे निरीक्षण विधि करें, चाहे साक्षात्कार या मनोवैज्ञानिक, हम दोस्तों समस्यात्मक बच्चों की पहचान कर पाएंगे। तो दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि सामूहिक परीक्षण होता है, तो दोस्तों इसका विकल्प कौन सा होगा, शाब्दिक अशाब्दिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका स, दोनों। ठीक है दोस्तों, विकल्प आ और ब दोनों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 102 क्वेश्चन नंबर, क्या ब्रेल लिपि उपयोगी होती है दोस्तों? किन के लिए? दृष्टि बाधितों के लिए, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए दोस्तों कौन सी लिपि होती है, ब्रेल लिपि। 103 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण होती है कौन सा दोस्तों? एक तो सामान्य बुद्धि परीक्षण हो गया, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, या नैदानिक परीक्षण, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो बच्चे पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए हम ये सब परीक्षण कर सकते हैं। अब दोस्तों 104 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, 104, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज के सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है, यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन आपका दोस्तों वालमैन का है। अब दोस्तों बात करते हैं 105 क्वेश्चन नंबर क्या रहा उसको देखते हम लोग, कि वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं होता उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे वंचित बालकों होते हैं उनका लक्षण क्या नहीं होता, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। 106 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बालक अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। ठीक है, बाल अपराधी जो दोस्तों हमारे बच्चे नहीं होते, बाल अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि होती है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरी दोस्तों आपकी मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, तीसरी परिवीक्षण विधि, और चौथा होता है उपयुक्त सभी। जो बच्चे बाल अपराध में दोस्तों जेल चले जाते हैं, आप लोग को पता होगा ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चोरी कर लेते हैं, लड़ाई मारपीट पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, क्या नहीं होते दोस्तों? सामान्य बालक। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हमारा 108 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, फ्रायड, जो हमारे मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। 109 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि होती है, पहला दोस्तों गतिवर्धन, संपन्नीकरण, या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, या उपयुक्त सभी। तो दोस्त इसका हमारे सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 110 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जो सामान्य बुद्धि के बच्चे आते हैं दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 90 से लेके 110, ये है आपका टर्मन के अनुसार। अब दोस्तों बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, सीएटी परीक्षण होता है किसके लिए दोस्तों? बच्चों के लिए। ठीक है ना, सीएटी परीक्षण। अब बात करेंगे दोस्तों हमारा 112 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ पर दोस्तों? आपका इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बीटीसी 2017 या डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है। 113 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन दोस्तों किसका है? आर्थर जे जोन्स का। ठीक है दोस्तों, इसका नाम याद रखना आपको। 114 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निर्देशन का प्रकार नहीं होता है कौन सा दोस्तों? लिखित निर्देशन। ठीक है, जो आपका निर्देशन का प्रकार नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? आपका लिखित निर्देशन। अब 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। जी हाँ दोस्तों, जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंचे तो आपको निर्देशन व परामर्श देने का कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। 116 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, परामर्श से संबंधित उपकरण होते हैं, देखिए पहला विकल्प है संचित अभिलेख, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है आत्मकथा एवं निरीक्षण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्त इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। 117 क्वेश्चन नंबर है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? पहला आंसर हो सकता है दोस्तों आपका वातावरण। देखिए किसी के लिए भी दोस्तों आपका जो मुख्य कारण होगा वो वातावरण तो जरूर होगा, दूसरा आपका वंशानुक्रम, तीसरा हो जाएगा आपका साथ दोनों। तो हमारे इसका विकल्प सा, इसलिए सही हो जाएगा दोस्तों कि भाई आपका जो दृष्टि बाधित हुआ है
ये हो सकता है वातावरण से हुआ हो या वंश अनुक्रम से है। अब बात करेंगे दोस्तों, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, ठीक है इसको याद रखना आप लोग, 2018 में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया आपके पेपर में। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है ये आपको बताना है, तो समुदाय का अर्थ दोस्तों आपको दो शब्दों से मिलकर बना है। अब बात करेंगे दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बताना आपका, आगरा, कानपुर, लखनऊ या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है वो हर जगह उपलब्ध है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार क्या है, देखिए शारीरिक विकलांगता, आविकात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विकलांगता किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त तो होती है ये दोस्तों आपको बताना है, इसका आंसर होगा जो श्रवण बाधित होते हैं, मतलब जो देख तो पाते हैं सुन नहीं पाते। 124 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, निर्देशन का प्रकार नहीं है कौन सा दोस्तों, आपका लिखित निर्देशन, अभी इस क्वेश्चन को हमने देखा। 125 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है किसके लिए दोस्तों, जो बच्चे प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब दोस्तों देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, विकृत बालकों को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आज पहले भी देखा था, आत्मनिर्भर बना देना चाहिए। 127 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, इसको दोस्तों ध्यान में आपको रखना है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 128 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, हकलाने के कारण हैं, देखिए वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी या उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों हमने पहले बोला कि वातावरण तो दोस्तों आपका हर एक चीज का कारण हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो मनोविज्ञान का केंद्र का मुख्य कार्य होता है वो निर्देशन के साथ साथ दोस्तों प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षण के साथ साथ शोध कार्य भी होता है दोस्तों। तो 130 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं कौन कौन से दोस्तों, पहले तो याद रखिए दोस्तों वाक दोष के अपने प्रमुख प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आज हमने पहले भी देखा था, इसका विकल्प नंबर सा बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों विकल्प सही होंगे। 132 नंबर क्वेश्चन, चुनौती ग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है, जिसका आंसर होगा दोस्तों आपका समावेशी शिक्षा, जो चुनौती ग्रस्त बालक होते हैं दोस्तों उनके लिए समावेशी शिक्षा उपयोगी होती है। अब बात करेंगे दोस्तों 133 नंबर प्रश्न की, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं होते हैं कौन से दो होते हैं दोस्तों विशिष्ट बालक, इसका आंसर होगा दोस्तों प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक। प्रश्न को फिर ठीक से समझेंगे, विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक। अब दोस्तों बात करेंगे 134 नंबर प्रश्न की, डिसलेक्सिया शब्द से किस अक्षमता का प्रदर्शन होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका लेखन संबंधी अक्षमता, ठीक है दोस्तों, अगर आपको लिखने संबंधी कोई अक्षमता है तो आपको डिसलेक्सिया हो सकता है। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों आपकी, 90 से लेके 109, 110, ठीक है टर्मन के अनुसार 110 थी ना, 90 से 110। 136 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है कहाँ पर दोस्तों, पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक ना, इसको याद में रखना दोस्तों नहीं तो भूल जाए आप लोग। अब दोस्तों देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है कौन सी दोस्तों, ये जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए सबसे अच्छी लिपि होती है वो होती है आपके दोस्तों ब्रेल लिपि, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ढेर सारे क्वेश्चन को डिस्कस तो कर लिया, अब दोस्तों देखते हैं आज का 138 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका विनय, ठीक है बुद्धि परीक्षण का जनक आप किसको कहते हैं, विनय को कहते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, ठीक है क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर होगा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। अब दोस्तों बात करेंगे 140 नंबर क्वेश्चन की, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है,
इसका आंसर होगा दोस्तों आपका इलाहाबाद। अब बात करेंगे दोस्तों तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 141। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि बाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? पहला आंसर दोस्तों ग्राफ सीट, दूसरा है ब्रेल स्लेट, तीसरा ध्वनि रहित कैसेट, चौथा है टेलर फ्रेम। तो कौन सा उपकरण जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए कौन सा शैक्षिक उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ग्राफ सीट। ठीक है, आप विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 142 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा कह रहा है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वार्तालाप के माध्यम से। ये क्वेश्चन दोस्तों आज हमने पहले भी देखा था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आया था इसलिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। तो दोस्तों आज हमने 142 प्रश्नों को देखा और उम्मीद करते हैं दोस्तों जिन बच्चों ने 142 क्वेश्चन में से 30 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो मतलब उनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। और जो बच्चे 142 में 130 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं दोस्तों, या 120 प्लस अगर आपने सही उत्तर दिए तो आपकी पढ़ाई बहुत ही उत्तम चल रही है। और दोस्तों लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार और रिविजन करना चाहिए कि कम से कम इतने 142 प्रश्न आपको बिल्कुल याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम एक अति लघुत्तरी लघुत्तरी की अलग वीडियो आने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके। और दोस्तों मैथ का पूरा सिलेबस बनकर तैयार है, देखिए इस बार आप मैथ को रट्टा मत मारिएगा, पिछली बार की तरह गलती मत करिएगा, मैथ को समझ के लगाइए दोस्तों। पूरा सिलेबस 4-4 घंटे की दोस्तों अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, तो हमने मेहनत काफी की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब बारी आपकी है, अच्छे से उसको पढ़ के बीटीसी या डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में एक मैथ में अच्छा स्कोर आपको करना है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों सामाजिक अध्ययन और बाकी सब्जेक्ट्स के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।